नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में उनके पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। बीते मंगलवार शाम को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में 9 पेज की FIR में सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। के सिंह ने कहा कि रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत से ब्रेकअप किया था और साथ ही सुशांत के घर से रिया कैश और ज्वेलरी भी साथ लेकर गई थी। रिया सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी भी दे रही थी। आइए जानते हैं सुशांत के पिता के वो 7 आरोप जो उन्होंने रिया और उनके परिवार के खिलाफ लगाए। कैसे हुए मानसिक रूप से बीमार? साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई? इसकी जांच की जाए। मुझसे अनुमति क्यों नहीं ली? यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। क्या क्या इलाज हुआ इस दौरान? जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। अकेला क्यों छोड़ा? जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया और उसके परिजन व सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। कहां है 15 करोड़? मैंने अपने बेटे के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इस दौरान 15 करोड़ रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठगा है? कैसे कम हुआ काम? इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण था कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई? इसकी जांच की जाए। सामान लेकर क्यों गई? जब सुशांत ने रिया के धमकियों का विरोध किया, तो रिया को लगा कि सुशांत तो अब किसी काम का नहीं रहा, तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। घर से दूर किया। सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि अपने घर पटना में रहते हुए उन्होंने कई बार सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिवार ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही सुशांत को पटना आने दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिया के खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 380 यानी कि सामान लेकर भागना, धारा 406 यानी निजी सामान का गलत इस्तेमाल करना, धारा 420 यानी कि धोखेबाजी, धारा 341 यानी जबरन रोकना, धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचना। तो इन धाराओं के तहत सुशांत के पिता के सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है।